हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षे और आप सभी का स्वागत इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इस वीडियो में हम हमारे फोल्डर्स के ऊपर वर्क करेंगे। सो ये मेरी ओरिजिनल एप्लीकेशन है। अगर मैं ऑल फोल्डर्स पे जाता हूँ एंड लेट्स से किसी भी फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, एंड आप देखोगे उसके रिस्पेक्टिव वीडियो शो करते हैं, विच मीन्स हम लोग एक नई एक्टिविटी में मूव हो जाते हैं। ये दूसरों के साथ भी एप्लीकेबल है, बट इन आर एप्लीकेशन जब हम किसी पे क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं होता। सो इस वीडियो में हमारा फोकस होगा कि अगर हम किसी भी फोल्डर पे क्लिक करें तो हमें एक एक्टिविटी में मूव होना चाहिए। एंड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम किसी भी फोल्डर से उसके रिस्पेक्टिव सॉन्ग्स कैसे लोड कर सकते हैं। सो लेट जस्ट स्टार्ट। सो सबसे पहले हमें फोल्डर्स एक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसमें हम लोग मूव करना चाहते हैं जब किसी भी फोल्डर पे क्लिक हो। सो जस्ट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट जावा, राइट क्लिक ऑन इट, न्यू एक्टिविटी एंड एम्प्टी एक्टिविटी, एंड मैं इसका नेम रख रहा हूँ फोल्डर्स एक्टिविटी। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। एक्टिविटी एंड जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। ओके, एंड इस फोल्डर्स एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले लेट्स से मैं बाइंडिंग को इनिशियलाइज कर लेता हूँ। सो हियर वैल बाइंडिंग एक्टिविटी फोल्डर्स binding dot inflate and layout inflator, and here after set content view यहाँ पे binding dot root, and हमारे binding initialize हो चुकी है simply। and now हमारा next जो work है हमारे folders fragment के अंदर है या फोल्डर्स अडैप्टर के अंदर है। यहाँ पे अगर हम किसी भी अडैप्टर पे क्लिक करें तो उसमें मूव होना चाहिए। सो उसके लिए हम लोग इंटेंट्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं रूट का रेफरेंस लेना चाहूँगा, विच मीन्स अगर जो हमारा ये लेआउट है बाइंडिंग डॉट रूट, इस पर कहीं पे भी क्लिक होगा तो हमें मूव करना है। सो यहाँ पे होल्डर डॉट रूट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, एंड हियर हमें एक इंटेंट पास करना है। सो मैं यहाँ पे एक इंटेंट क्रिएट करते दो, वैल इंटेंट इज इक्वल टू इंटेंट। यहाँ पे सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। सो कॉन्टेक्स्ट कॉमा, एंड यहाँ पे हमें कहाँ पे मूव करना है। सो मैं चाहता हूँ मैं फोल्डर्स एक्टिविटी में मूव करूँ। सो फोल्डर्स एक्टिविटी कोलन कोलन क्लास डॉट जावा, एंड इसे हम लोग फोल्डर्स एक्टिविटी में मूव हो जाएंगे। एंड मैं चाहता हूँ मैं इस इंटेंट के साथ कुछ डेटा भी पास करूँ। सो इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, एंड विच इज फोल्डर्स पोजिशन। सो एक्चुअल में एक पोजिशन होगी। सो पोजिशन सिंपली, एंड वो पोजिशन होनी चाहिए जो भी पोजिशन हमें मिली है। ओके, एंड उसके बाद हमें यहाँ से इंटेंट पास करना है। सिंस ये एक अडैप्टर है, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी करके इंटेंट पास नहीं कर सकते, हमें कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। सो कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, एंड यहाँ पे सबसे पहले हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है। सो कॉन्टेक्स्ट कॉमा देन इंटेंट, एंड आफ्टर दैट सिंपली पास नल। ओके, सो व्हेन यूजर विल क्लिक ऑन दिस फोल्डर्स व्यू, देन एक इंटेंट यहाँ से हमें फोल्डर्स एक्टिविटी में मूव करेगा। एंड नाउ लेट्स कम टू फोल्डर एक्टिविटी, एंड यहाँ पे हमें उस इंटेंट को एक्चुअल में हैंडल करना है। सो यहाँ पे वैल पोजिशन मीन्स उस इंटेंट के साथ कुछ डेटा भी आ रहा है, मुझे वो डेटा चाहिए। सो सिंपली इंटेंट डॉट गेट इंट एक्स्ट्रा, एंड यहाँ पे आपको वो स्ट्रिंग पास करनी जो आपने वहाँ पे की थी। सो मैंने पोजीशन पास की थी, सो मैं यहाँ पे पोजीशन पास करूँगा। एंड उसके बाद आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू बतानी। सो अगर कुछ एरर्स आ जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट जीरो वैल्यू पिक कर लो। एंड उसके बाद मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ, मैं जो हमारा एक्शन बार है उसका टाइटल चेंज करना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू द फोल्डर। सो सपोर्ट एक्शन बार कोलन डॉट सेट होम एज अप अनेबल्ड टू ट्रू, एंड उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट एक्शन बार डॉट टाइटल इज इक्वल टू मेन एक्टिविटी डॉट फोल्डर्स लिस्ट, एंड हियर जस्ट यूज पोजिशन डॉट फोल्डर नेम। ओके, एंड दिस विल सेट टाइटल फॉर आर सपोर्ट एक्शन बार। अब एक बार हमारी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं एंड चेक करते हैं कि प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं। सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। लेट्स से अगर मैं ऑल फोल्डर्स पे क्लिक करता हूँ, एंड इसमें से लेट्स से किसी भी फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, लेट्स से डाउनलोड्स,
एंड आप देख रहे हो इसका जो थीम है वो ब्लैक है, हमारी एक्टिविटी शिफ्ट हो रही है एंड अनदर प्रॉब्लम, हमारा बैक काम नहीं कर रहा। सो इन दोनों इश्यूज़ को जल्दी से फिक्स करते हैं। सो सबसे पहले थीम सेट करते हैं, एंड थीम इज सेट कंटेंट व्यू के जस्ट ऊपर सेट करने वाला हूँ। सो सेट थीम आर डॉट स्टाइल डॉट कूल पिंक नैव, एंड इससे जो हमारा बैकग्राउंड है वो वाइट हो जाएगा। एंड उसके बाद हमें उस बैक बटन को फंक्शनलिटी देनी है क्योंकि वो भी वर्क नहीं कर रहा था। सो यहाँ पे उसके लिए मैं एक फंक्शन ओवरराइड करूँगा, ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड, एंड अगर कोई भी आइटम सिलेक्ट हो सिंपली ट्रू रिटर्न करो एंड यहाँ पे फिनिश कॉल करो, विच मीन्स एक्टिविटी को क्लोज कर दो। ओके, मैं उसकी आइडिया किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं कर रहा, मैं सिंपली इतना लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ कि एक्शन बार की अगर कोई भी आइटम सिलेक्ट होती है, सिंस वहाँ पे सिर्फ एक बैक बटन है, विच मीन्स जब भी सिलेक्ट होगा ओनली बैक बटन विल बी सिलेक्टेड, सो वैन एवर इट इज़ क्लिक्ड दिस एक्टिविटी शुड क्लोज। इतना सिंपल सा लॉजिक है। सो नाउ लेट्स रन आर एप्लीकेशन एंड चेक वेदर दे आर वर्किंग और नॉट। सो फाइनली ऐप इज इंस्टॉल्ड, लेट्स मूव टू ऑल फोल्डर्स एंड लेट्स से कोर्स, एंड आप देख सकते हो हमारा बैक बटन भी वर्क कर रहा है, लेट्स से मूवीज एंड ओके। सो थीम भी चेंज हो चुका है एंड बैक बटन भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।